नमस्ते फ्रेंड्स, मैं तृप्ति शाह ट्रिपल एम की ओर से आज मैं वापस एक नया स्टेट लेके आई हूँ, भारत का एक राज्य लेके आई हूँ अंडर हैशटैग नो माई स्टेट। अब ये जो स्टेट है हमारा, वो पश्चिमी राज्य जो हैं भारत के, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, मुंबई, इस तरफ नीचे जाए तो हमारे पास है कर्नाटका और केरला, उनको थोड़ा सा कम पता रहता है पूर्वीय राज्यों के बारे में। तो हमारा पूर्वीय राज्य है, बहुत अच्छा राज्य है, बहुत बड़ा भी राज्य है, काफी बड़ा राज्य है, जिसका नाम है ओरिसा। और ये हमारे दोनों तरफ की कोस्टल लाइन में ही आता है, गुजरात के सामने की साइड। और ये आपको आज हम बताएंगे ओरिसा का लेवल ऑफ एक्सपोर्ट्स, ओरिसा का एक्सपोर्ट में कितना हिस्सा है भारत के अंदर, ओरिसा से क्या क्या आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एंड ओरिसा से क्या क्या कमोडिटीज जो रॉ मटेरियल होते हैं और कौन से पोर्ट से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ओरिसा के बारे में अभी हम बात करेंगे। ओरिसा इज 8वें नंबर पे ये राज्य है जो भारत का टोटल एक्सपोर्ट में 8वें नंबर पे रहता है, ओरिसा, जिसको बोलते हैं ओडिशा। नाउ ये हम यहाँ पे आपको एक चार्ट दे रहे हैं, 16-17 से लेके 20-21 तक के 5 साल में ओरिसा ने कितना एक्सपोर्ट किया है। एंड वेरी वेरी सरप्राइजिंगली, हैप्पीली सरप्राइजिंगली, 10.22% एक्सपोर्ट रहा है ओरिसा से इन द ईयर 2020-21 में। ये पिछले साल हमने 10.22% एक्सपोर्ट ओरिसा में किया है, जो भारत से पूरा एक्सपोर्ट होता है उसका 10वां% 10.22% हमने एक्सपोर्ट किया है। और ये जो एक्सपोर्ट है उसमें ओरिसा का शेयर पूरे देश में जिससे जो एक्सपोर्ट होता है वो 3.51% का एक्सपोर्ट ओरिसा से होता है। कहाँ जाता है ओरिसा का सामान? ओरिसा का सामान सबसे ज्यादा जाता है चाइना, 41.07% सामान ओरिसा का ही जाता है चाइना में। फिर जाता है मलेशिया, साउथ कोरिया, वियतनाम, बांग्लादेश, यूएसए, यूएई, इंडोनेशिया, इटली, सिंगापुर और बाकी सारे कंट्रीज में। सिर्फ ये मैं बात कर रही हूँ ओरिसा स्टेट की। मेजर क्या जाता है ओरिसा से, मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ ओरिसा क्या है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। मेजर इंडस्ट्री हमारी है सबसे ज़्यादा जो ओरिसा से इंडस्ट्री भी है और एक्सपोर्ट भी होता है, वो है लोहा, लोहे की खान वहाँ बहुत है, कोरीज ऑफ आयरन, जहाँ से हम आयरन और एक्सट्रैक्ट करते हैं। और इसके बाद जाहिर सी बात है, अगर लोहा वहाँ से मिलता है तो स्टील भी वहाँ पे मिलेगा। सेकंड प्रोडक्ट है स्टील और स्टील के प्रोडक्ट्स, बिकॉज लोहे में से स्टील इज़ एन एलॉय, लोहे को में से कोई और ऐड करके स्टील बनता है। उसके बाद हमारा होता है एल्यूमिनियम। सो हमारा जो ओडिशा स्टेट है वो बहुत ही अच्छा स्टेट है इन टर्म्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, जो हमें खनिज जिसको हम बोलते हैं वो हमें मिलता है, वो बहुत ही मिलता है यहाँ से। एल्यूमिनियम भी मिलता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी हमें मिलते हैं। और क्योंकि ओडिशा समंदर के पास है, इसको बहुत सारे मरीन प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, सो फिशरीज आल्सो इज़ अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। सो ये है हमारा आयरन, आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम एंड देन पेट्रोलियम एंड देन फिशरीज। सो ये हमारे अगेन इन आउट ऑफ 169 कमोडिटीज, 103 कमोडिटीज आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम ओरिसा। एल्यूमिनियम, वी हैव आयरन, वी हैव आयरन ओर पैलेट्स, जो छोटी छोटी पैलेट्स आती हैं आयरन ओर की, शीट्स ऑफ फ्लैट कॉइल्स ऑफ आयरन रॉड्स, देन फेरोक्रोमियम कार्बन कोटिंग वाले होते हैं, देन वी हैव 60% मोर आयरन और बिलो 62% आयरन वाले चीज़ें, आयरन ओर्स, जैसे हमने एल्यूमिनियम बोला, हमने बोला स्टील तो वो हम भेजते हैं। वी हैव एल्यूमिना कैल्सिनाइड, वी हैव एल्यूमिना
एल्यूमिनियम बिलेट्स यानी कि एलॉयड एल्यूमिनियम, माइल्ड स्टील कम स्टील वाली चीजें एंड शॉर्ट एंड एंगुलर ग्रिट ऑफ आयरन। सो ये सारी जो कमोडिटी हैं, ये कमोडिटी बोलते हैं क्योंकि ये खनिज निकलता है, इसके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स नहीं हैं, पर इंडस्ट्रीज के बारे में हमने आपको बताया, आयरन, आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम एंड देन वी ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम एल्यूमिनियम एंड देन वी हैव मरीन प्रोडक्ट्स ऑल्सो, ये हमने ऑलरेडी आपको बताया। अब उड़ीसा में तो पोर्ट हैं क्योंकि वो समंदर के पास हैं, उड़ीसा इज अ कोस्टल स्टेट, तो आप सबसे ज़्यादा पारादीप सी, पारादीप पोर्ट से आपका एक्सपोर्ट होता है। Then you have Dhamra that is in Chandbali, Dhamra में से भी आप कर सकते हो, and then you have Gopalpur port, and then you have ICD Concor Jharsuguda, वहाँ से ICD है, क्योंकि राज्य बड़ा होता है तो वहाँ पर port तक सब सामान नहीं पहुँचता, तो हम ICD से custom clearance करवा के, ICD यानि inland कंटेनर डेपो, वहाँ पर कस्टम्स की भी सुविधा होती है, कस्टम क्लियरेंस करवा के फिर आपका कंटेनर पोर्ट पर जा सकता है। एंड भुवनेश्वर में एयर कार्गो की सुविधा है, तो आप भुवनेश्वर में एयर कार्गो की सुविधा लेके भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो ये सारी बातें थी उड़ीसा के बारे में या उड़ीसा के बारे में। आई होप द उरियाज हैव अ गुड टाइम एक्सपोर्टिंग द प्रोडक्ट्स, बहुत ही रिच हैं खनिजों में, एंड यू कैन एक्सपोर्ट एनीथिंग फ्रॉम द कमोडिटीज ऑफ आयरन एंड स्टील एंड एल्यूमिनियम एंड ऑफ कोर्स देयर इज फिशरीज। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी एंड लिसनिंग टू मी पेशेंटली। दिस वॉज उड़ीसा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक इट, अच्छा कुछ है तो हम शेयर करते हैं अपने मित्रों के साथ, शेयर इट एंड देन डू गेट अलर्ट्स फॉर न्यू वीडियोस एवरी टाइम वी पोस्ट अ वीडियो। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, डाउनलोड आवर फ्री मोबाइल एप्लीकेशन, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी यदि आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में हैं या आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में आना चाहते हैं, तो दोनों तरीके से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारी एंड्रॉयड एंड iOS मोबाइल एप्लीकेशन से आपको मिल सकती है। नमस्ते।